नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। और हम आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव जो है वो संपन्न हो चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे थे। मतदान केंद्र पर लोगों की भारी भीड़ भी बीच में देखने को मिली थी, लेकिन अब धीरे धीरे संख्या जो है वो कम होती गई और अब प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो पेटियों में पैक हो चुकी है। काउंटिंग वाले दिन पता चलेगा कि किसकी किस्मत चमकी और किसकी नहीं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर गौरव रणदिवे से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। कैसा रहा आज का दिन और कितना उत्साह लोगों में देखा गया और जीत के लिए कितने आश्वस्त आप? मतदान अच्छा हुआ है और सभी मतदाताओं ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है जी। मैं मगर और सभी से ये आग्रह भी करूंगा कि जो भी मतदान से वंचित रह गए, बच गए, वो भी आए और मतदान जरूर करें जी। और सभी को मतदान करने का मैं आग्रह करता हूँ। और मतदान बहुत अच्छा हुआ, बहुत सकारात्मक हुआ और जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति और किए हुए काम के प्रति लोगों के मतदाताओं सभी मतदाताओं से जो मिलना हुआ जाना हुआ उससे ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव जी और हमारे ज्यादा से ज्यादा पार्षद भारतीय जनता पार्टी के चुन के आने वाले हैं। मैंने जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे महापौर पार्षद पुष्यमित्र भार्गव जी प्रचंड बहुमत से और हमारे बहुत बड़ी संख्या में पार्षद बहुत अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कामों को लेके जनता जनार्दन ने भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। देखिए मैडम, आज का दिन कांग्रेस के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहेगा। अरे महापौर प्रत्याशी भाई संजय शुक्ला जी हजारों मतों से जीत रहे हैं और हमारे पार्षद भी अच्छी संख्या में जीत रहे हैं। परिवर्तन की लहर है, जनता ने जो 22 साल से कुशासन नगर निगम को भारतीय जनता पार्टी का झेला था, आज उसका सफाया होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं विधानसभा 5, विधानसभा 4 और विधानसभा 3 में घूम रहा हूँ लगातार और मैं देख रहा हूँ कि जनता में एक अलग परिवर्तन की लहर दिख रही है। जनता का एक उत्साह कांग्रेस की तरफ उठाने लगा जी। निश्चित मानने लोगों ने कहा कि इस बार हमने परिवर्तन किया है और आपका महापौर संजय शुक्ला बनेगा और अधिकांश जगह पार्षद भी हमारे चुनाव जीत के आ रहे हैं, परिषद हमारी बनेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर एमपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।